यहाँ पे अगर मैं हुंडई वर्ना की बात करता हूँ तो थोड़ी सी क्लासी लुक के अंदर ज़्यादा आती है। ऑब्वियसली जो सिटी है उसकी जो थोड़ा सा शार्प जो है वो ज़्यादा लुक आती है। और अगर मैं सियाज की भी बात करता हूँ तो सियाज जो है वो मारुति की अभी तक मोस्ट एरोडायनेमिक जो है वो गाड़ी है, तो इस वजह से जो है। लेकिन ये जो थोड़ा सा क्लासी लुक के अंदर आपको गाड़ी दी गई है, बहुत ही सोवर, बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, लेकिन एरोडायनेमिक्स इसके भी बहुत ही मतलब कि शार्प हैं, ऐसा नहीं कह सकते, जिसकी वजह से काफ़ी चिपक के चलती है ये गाड़ी। खैर, ये वाला जो वेरिएंट है ये है आपका 1.6 SX वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। टायर्स पे भाई ने अच्छा खासा खर्चा कर रखा है। यहाँ पर देखिए लो प्रोफाइल जो है वो टायर डलवाए हुए हैं। लो प्रोफाइल टायर की वजह से सस्पेंशन के अंदर एक हमेशा थोड़ी सी दिक्कत जो है वो बनी रहती है। खैर, लेकिन सस्पेंशन जो है वरना का काफ़ी अच्छा है। तो अभी मैं इस 1.6 गाड़ी को आपको चला करके भी बताऊंगा कि किस टाइप की गाड़ी चलती है और डीजल के अंदर क्यों इसको इतनी महारत हासिल है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये है, स्टार्ट कर दी है हमने गाड़ी यहाँ पर। तो ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा होगा कि 122,357 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, लेकिन इस गाड़ी को अभी जो है हम चला करके आपको और बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यू टर्न ले लेते हैं भैया, और टर्निंग रेडियस भी ठीक ठाक है, दो लेन के जो आपका जो है उसके अंदर घूम जाएगी, सिंपल सी बात है। ये गियर मक्खन की तरह स्मूथ है यार, बिल्कुल मक्खन वाली जो है ना वो फील आते, मतलब बहुत ही इजीली शिफ्ट हो जाते हैं। एक जो है यहाँ पर गियर नोब दी गई है, तो उसको आप ऊपर करके फिर आगे की तरफ इसके अंदर रिवर्स लगता है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। सेकेंड गियर है अभी हमारा। इस गाड़ी को डीजल के अंदर महारत क्यों हासिल है, इसलिए हासिल है। रिस्पॉन्स देखो यार, ऑलरेडी 80 क्रॉस कर चुकी है ये गाड़ी, इस वजह से जो है। एक थी क्रूज जी हाँ, जो कि इसको टक्कर देती थी इस गाड़ी को, लेकिन मैं कहूँगा कि एक थी वो क्रूज, है नहीं, लेकिन देखिए ऑलरेडी ये 122,000 मतलब लगभग 1.25 लाख के आसपास गाड़ी चल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इस गाड़ी का परफॉर्मेंस ऐसा है। तो अगर आप सेकंड हैंड लेने का भी विचार कर रहे हैं डीजल के अंदर, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। और अगर आप मतलब कि बिल्कुल फ्रेश निकलवाने की सोच रहे हैं, तो फिर तो आँख बंद करके जो है वो लेने वाली गाड़ी है ये डीजल के अंदर, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है इस गाड़ी का। कुछ एक ऐसी गाड़ियां हैं जो कि आपके मूड को रिफ्रेश कर देती हैं, वरना जो है डीजल के अंदर वन ऑफ देम। ऐसे ही एक स्कॉर्पियो है जिसको चला करके थोड़ा सा अलग मजा आता है, लेकिन इसके अंदर जो पावर एंड पिकअप वाला जो परफॉर्मेंस है ना, और क्या स्टेबल गाड़ी है यार ये, बिल्कुल चिपक करके चलती है तेज स्पीड के अंदर भी, तो उसका भी एक अलग ही मजा है। आपको कहीं पर भी जो है कॉन्फिडेंस कम ऐसा नहीं लगेगा कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है गाड़ी, या कहीं पर भी ऐसा एकदम जो है वो जिगजैग आप इसके अंदर कर सकते हैं। एयरबैग, ABS, EBD वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं ऑलरेडी। भागने के लिए मना नहीं करती है ये गाड़ी, ठीक है, लेकिन चक्कर ये है कि आप जो है भगाओगे कहाँ पर, मतलब आपको रोड जो है इतने वो मिलेंगे कहाँ पर भगाने के लिए, वो एक बड़ा सवाल है। ये कहती है कि भैया अगर आप में है हिम्मत तो भगा लो, तो ये चीज़ है। यहाँ पर फिर भी थोड़े से खुले रोड हैं, तो मैं यहाँ पर ट्राई करके देख रहा हूँ इस गाड़ी का, लेकिन सीरियसली मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने के अंदर यार। और थोड़ी सी अगर मैं प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करूं कि भाई चलो ये तो रही पावर पिकअप परफॉर्मेंस की बात, तो अगर यहाँ पर कंफर्ट की मैं बात करता हूँ, तो यस, जो सीटिंग पोस्चर है मेरा जिस हिसाब से, तो वो कंफर्टेबल सीट दी गई है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ आती है इसके अंदर निकल के विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी बहुत ही शानदार है इस गाड़ी की, उसमें भी आपको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। 2000 RPM जैसे ही क्रॉस करती है, तो आपको कैबिन के अंदर जो है वो डीजल इंजन वाली जो साउंड जो आती हैं, टिपिकल साउंड जो है वो आपको ज़रूर सुनाई देगी, लेकिन वो जो है वो तो आपको हर एक जो है डीजल इंजन के अंदर यहाँ पर सुनाई देती हैं, मोस्टली गाड़ियों के अंदर सुनाई देती हैं। गाड़ी के अंदर लो प्रोफाइल टायर डाले हुए हैं, जिसके ऊपर से सस्पेंशन के ऊपर एक्स्ट्रा थोड़ा सा बर्डन जो है वो पड़ता है, लेकिन सच्ची बात बताऊं तो मेरे को भी काफ़ी पसंद आया जो इन्होंने डाले हैं। लुक्स जो है वो काफ़ी शानदार हो गई है, काफ़ी चौड़े हैं जिसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी जो है वो भी बढ़ती है।
माइलेज के अंदर एक या दो का फर्क जो है वो पड़ जाता है उससे। अमेज, अमेज को तो हम यूं पीछे कर देंगे। खैर सो बात है, लेकिन आपका पूरा कंट्रोल जरूर होना चाहिए गाड़ी के ऊपर, ठीक है। मौज मस्ती की अलग चीज़ें होती हैं, मौज मस्ती भी तभी ज़्यादा अच्छी लगती है जब आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, गाड़ी आपके जो पूरा कंट्रोल के अंदर है कि हाँ मैं इसको जो है वो रोक सकता हूँ, थाम सकता हूँ अगर कहीं भी ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो, राइट। वास्तव के अंदर एक डीजल रॉकेट वो थी, सेकंड डीजल रॉकेट ये है। देखिए सच्ची बात बताऊं तो पेट्रोल होंडा सिटी का कोई सानी नहीं है, डीजल के अंदर जो है इस वरना का कोई सानी नहीं है। यहीं पर एक और भी गाड़ियां आती है जैसे कि सियाज जो हो गई, उसमें दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी दी गई हैं, पेट्रोल भी ठीक ठाक है, डीजल भी ठीक ठाक है, लेकिन महारत हासिल जैसे कि होंडा सिटी पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर इसको हासिल है। होंडा सिटी डीजल के अंदर काफ़ी नॉइसी इंजन है यार, वो इस वजह से इतना फील नहीं आ पाता और इतनी पावर पिकअप वगैरह नहीं है उसके अंदर, इसको चला करके ना मतलब मज़ा आता है। ये तो रही पावर पिकअप परफॉर्मेंस और वो सारी चीज़ें बात, लेकिन बात आती है अब स्पेस की, तो स्पेस कैसा है भाई इस गाड़ी के अंदर, तो वो मैं आपको इधर जो है वो गाड़ी लगाता हूँ साइड के अंदर, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसा जो है वो आपको स्पेस मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर। खैर वैसे अगर मैं प्लास्टिक वाल रुक जा यार, खैर वो बात में अगर इसकी गाड़ी की प्लास्टिक क्वालिटी की करता हूँ तो सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है, लेकिन स्लिपरी मटेरियल भी नहीं है ये प्लास्टिक का, डिसेंट आपको मटेरियल यहाँ पर मिलने वाला है, राइट। खैर अब स्पेस की बात कर लेते हैं, तो स्पेस दोस्त ये देख लीजिए, यहाँ पर जो हेडरूम है वो मेरे को इतना मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ये जो लेग रूम की, तो इतना मेरे को यहाँ पर लेग रूम मिल रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ कि आपको पीछे चल के फिर दिखाता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर पीछे जो है इसी ड्राइविंग पोजीशन के अंदर कितना हेडरूम या लेग रूम वगैरह मिलता है, ओके। ये देखिए इतना जो है मेरे को कम से कम यहाँ पर लेग रूम मिल रहा है। हेडरूम तो यार सेडान गाड़ियों के अंदर आप भूल जाइए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा मेरा जो हाथ है वो मेरे सर और रूफ के बीच के अंदर टच हो रहा है, क्योंकि ये सारा एरोडायनेमिक ऐसा होता है कि पीछे से यूं होती हैं गाड़ियाँ, जितनी भी आपकी सेडान है ज़्यादातर के अंदर आपको पीछे अगर आपकी हाइट 6 फीट या इससे अबव है तो दिक्कत आएगी आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सियाज से थोड़ा सा ज़्यादा है, होंडा सिटी से थोड़ा सा आपको कम यहाँ पर मिलेगा। आइडिया मैंने आपको दे दिया है, फिर भी आप अगर लेना चाहें तो पीछे जरूर बैठ करके देखिएगा। बात करते हैं यहाँ पर तीन एडल्ट्स के बैठने की, तो नहीं तीन एडल्ट्स बहुत बढ़िया या बहुत ही कंफर्टेबली तो नहीं बैठ सकते, लेकिन हाँ बैठ जाएंगे। चार बंदे जो हैं इस गाड़ी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे, बच्चा भी बैठा लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा पिछली सीटों के ऊपर, तो ये चीज़ है। फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये देखिए जो लो प्रोफाइल टायर्स जो हैं वो हैं इस गाड़ी के अंदर, SX 1.6, वरना चलाने में वास्तव के अंदर काफी मजा आता है इस गाड़ी के अंदर। ठीक है तो दोस्त ये था आज का हमारा वरना का एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस, जिसको मेरे को आपको बताना ही बताना था। काफ़ी बार चलाता हूँ ये गाड़ियाँ, लेकिन फिर भी आज मेरे पास कैमरा था तो आप लोगों को दिखाया बताया कि किस टाइप की ये गाड़ी चलती है, और वैसे भी 1.25 लाख किलोमीटर चल चुकी थी तो आपको बताना तो यहाँ पर बनता ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ डाउट आपके क्लियर हुए कि वरना को सेकेंड हैंड लिया जा सकता है या नई गाड़ी ली जा सकती है, ठीक है, तो आपको जरूर इस वीडियो को लाइक करना चाहिए। परफॉर्मेंस आला दर्जे की है, डीजल के अंदर आंख बंद करके लेने वाली गाड़ी है, सीरियसली। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो भी मुझे कर लेना, ऑफिशियल फ्री एडवाइस @instagram।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सीट बेल्ट जरूर डालना दोस्त अगर फोर व्हीलर चलाते हैं तो, और हेलमेट जरूर डालना टू व्हीलर चलाते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।